Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn another chapter of class 11th. That is chapter number 3. Name of the chapter is Ranga's Marriage, which is written by Masti Venkateshayyangar. And the writer is from South and he has given a vibrant picture of South Indians and he has shared the story of the past, how people used to be. The story is written in a very humorous way and it also depicts how people used to be in the past and how English used to influence people and how they used to change themselves. तो जो story है रंगास मैरिज वो South Indian story है और हमें वहाँ South का touch देती है पुराने समय का और किस तरह से अंग्रेज जो थे उनका जो impact लोगों की life में हुआ करता था और अंग्रेजी कितनी important हो जाती थी और lifestyle कैसा था वो सब हम इस chapter में बहुत humorous way में पढ़ेंगे और स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है जो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देती है रंगा की मैरिज किस तरह से हुई थी. तो रंगा कौन था, अकाउंटेंट का सन था और वो जो था रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़. और रंगा जो था वो एक अकाउंटेंट का सन था, वो उन लोगों में से था जो गांव के होते हैं और उन्हें बड़ा शौक होता है कि बच्चे जो हैं सिटी में जाएं और वहां जाकर अपनी स्टडीज़ को परस्यू करें, आगे बढ़ाएं. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउसेस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. तो लोगों के मन में क्या रहता था कि अगर वो पढ़ने गया है और शहर में गया है तो ज़रूर उसमें फिज़िकल चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो वहाँ पर जब वो वापस आया तो उसके घर के आगे भीड़ जमा हो गई क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. His ideas about marriage are now quite different. और आर दे, तो अब जो मैरिज हुआ करती थी पहले टाइम में जो स्टोरी लिखी हुई है वो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी. तो हम देखेंगे पढ़ने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए, क्या वो अभी भी ऐसा ही था जैसे और बच्चे थे, क्या वो भी चाइल्ड मैरिज में बिलीव करता था या नहीं. सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा द सन ऑफ अकाउंटेंट हु हैज़ स्टडीड इन बेंगलोर एंड व्हेन ही कम्स बैक टू हिज होम ऑल द अदर विलेजर्स असेंबल ओवर देयर टू सी वेदर ही हैज़ कम विद अ चेंज बॉडीली और हिज आइडियाज़ आर ऑल्सो चेंज वेदर ही विल मैरी एंड विल ही बिलीव इन चाइल्ड मैरिज और नॉट. सो वी विल कवर ऑल दिस इन दिस चैप्टर. सो लेट अस बिगिन. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज व्हाई नॉट रंगनाथन विवाह रंगनाथन विजया. वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा बट देन This is not about Jagannatha victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. तो राइटर हमें कहता है जैसे ही आप चैप्टर का टाइटल पढ़ोगे जिसका नाम है रंगास मैरिज और जब आप देखोगे तो आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने रंगा ही वर्ड क्यों लिया, रंगनाथन का विवाह क्यों नहीं लिखा क्योंकि दीज आर द साउथ इंडियन नेम्स, या रंगनाथन विजया क्यों नहीं लिखा, या कोई और माउथ फिलिंग वर्ड मैंने क्यों नहीं लिया क्योंकि मैं किसी और की स्टोरी आपसे शेयर करने नहीं जा रहा बल्कि मैं अपने खुद के रंगा की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ. इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसे कोई फैंसी टाइटल दूँ यानी काल्पनिक टाइटल दूँ. सो द राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट ही हैज़ चोजन द रियल नेम ऑफ रंगा रादर देन टेकिंग एनी अदर फैंसी टाइटल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अस श्योर एंड मेक अस फील दैट ही इज़ truly giving a description of the life of Ranga where he was married. So Hosa Halli is a village. You must have heard of it. No, what a pity. तो ये एक तरीके से जो राइटर है उसने बहुत अच्छे से लिखा है, वो हमसे बातचीत करने जैसा है तो हम कनेक्टेड रहते हैं, वो हमसे लगातार क्वेश्चन करता रहता है तो पूछता है कि आपने होसा हल्ली का नाम कभी सुना है, कहता है नहीं सुना. What a pity, कितनी दया की बात है. But it is not your fault. There is no mention of it in any of geography book. तो राइटर हमसे कहता है कि आप जो हैं इसमें कन्फ्यूज मत हों क्योंकि आप इस नेम को नहीं जानेंगे क्योंकि ये कहीं भी ज्योग्राफिकल बुक में मेंशन नहीं है, हम इस नेम को कहीं भी पढ़ते नहीं हैं इसलिए ये आपका फॉल्ट नहीं है. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. And so make no mention of it. तो वो कहता है कि शायद ऐसे
जो अंग्रेज़ हमारे कंट्री में आए थे, जब उन्होंने मैप बनाया था तो शायद उन्हें मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा नाम भी है जैसे होसा हल्ली, वो कहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए उन लोगों ने इसको मैप में कहीं भी मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, सो हियर ही इज़ कमेंटिंग ऑन आर पीपल लाइक दे आर ऑल्सो चूजिंग देम टू बी लेफ्ट आउट। तो वो कहता है कि शायद वो लोगों ने भी इसमें नहीं लिखा, शायद उन लोगों को भी जो इंडियंस हैं उन्होंने भी ये बात महसूस नहीं की कि ये कहीं एग्जिस्ट करता है। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो। तो ये एक कटाक्ष है, एक हमारे जो है कमेंट किया गया है हमारे इंडियन ट्रेडिशन पे कि हम जो हैं वो लाइक अ शीप हैं, जो एक करता है वही सब करते हैं। इट्स लाइक अ शीप वॉक, जो हम भेड़ चाल कहते हैं ना कि एक ने जैसा चला बाकी भेड़ें भी वैसा ही चलती हैं। वन फॉल्स इनटू अ पिट तो सब गिर जाती हैं, ये नहीं देखती कि हमारा रास्ता कहाँ है। सो वी आर ऑल्सो लाइक फॉलोअर्स ऑफ ब्रिटिशर्स और इंग्लिशमैन एंड वी ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन दिस प्लेस, सो ही इज़ गिविंग अ कमेंट ऑन आर थिंकिंग। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? तो कहते हैं जब ना तो साहिब जो अंग्रेज़ हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने ना ही हमारे अपने जियोग्राफर ने इसको कहीं भी रेफर किया, तो आपको क्या लगता है क्या कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु इज़ नोन फॉर साइंस ऑफ मैप मेकिंग। तो कहता है तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको मेंशन करेगा। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी ऑफ द मैप, तो इसलिए कहता है हमारे मैप पे कहीं भी उसकी शेडो भी दिखाई नहीं पड़ती है। अब वो कहता है सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट रंगाज मैरिज, हाउ इट टू प्लेस एंड वेयर वॉज होसा हल्ली, रादर देन टॉकिंग अबाउट द incident he is rather started sharing the history of map making। तो कहता है कि मैं कहीं से शुरू हुआ और कहीं ले जाकर आपको चला गया। if the state of Mysore is to भारत वर्षा, what the sweet करीगा डब्बू is to festival meal, then होसा हल्ली is to Mysore state, what the filling is to करीगा डब्बू। तो कहता है ये तो ऐसा हो गया, करीगा डब्बू is a sweet dish which is eaten in फेस्टिवल टाइम्स इन साउथ इंडिया एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कोकोनट एंड इट हैज़ सम फीलिंग विच इज़ स्वीट। तो वो कहता है कि हम जैसे मैसूर में होसा हल्ली की स्टेट की बात करें, मैसूर स्टेट में होसा हल्ली की बात करें, तो यहाँ करीगा डब्बू कहाँ से आ गया, तो ऐसे ही हम मैप मेकिंग की बात रंगा की शादी में क्यों ले आए। वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। I am not the only one who speaks glowingly of Hosa Halli. So now again he starts coming to the point and he tells that I am not only person who will be praising Hosa Halli, but if you go you will talk to the people and you will see the place, you will really love it. तो वो कहता है कि मेरी ओपिनियन में ही होसा हल्ली बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छी जगह है, अगर आप सबसे भी ओपिनियन लेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक सुंदर जगह है। We have a doctor in our place. His name is Gundabhatt. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. Why he is mentioning England? Because people were much impressed and they loved seeing Britishers around. तो वो कहता है कि वो बहुत जगह गया है लेकिन विदेश नहीं, इंग्लैंड नहीं गया, क्योंकि उस जमाने में इंग्लैंड जाना या विदेश जाना it was really a great thing and people loved seeing such people who used to come back from these places. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Anaya means, नहीं भैया मैं नहीं गया, I have left that to you. Running around like a flea pestered dog. Flea pestered dog मतलब एक dog को जब वो pest लग जाती हैं जो उसके body पर काटती हैं तो वो पागलों की तरह जैसे भागता है, is not for me. तो कहता है मैं ऐसा ही नहीं हूँ. So you cannot compare me with this flea pestered dog. I have seen a few places in my time though. कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे भी ब्रिटिशर्स के पास भागने की पड़ी रहे जैसे दूसरे लोग भागते हैं, just like a flea pestered dog. लेकिन हाँ मैंने कुछ places देखे हैं, as a matter of fact he has seen many. लेकिन राइटर हमसे कहता है कि उसने एक दो ही नहीं बल्कि काफ़ी places देखे हैं. So here he introduces another character which is doctor.
एंड ही टॉक्स अबाउट हिम दैट द डॉक्टर इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पर्सन इन द विलेज बिकॉज ही हैज़ गॉन सो मैनी प्लेसेस एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड थिंग्स. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज. नाउ ही इज गिविंग द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज कि गाँव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं, कम विजिटर्स. तो वो यहाँ हमसे बात करता है और हमसे कहता है कि हमसे आकर मिले एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. और कहता है कि गाँव में जो है हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, उनमें से मैं आपको एक दूंगा. डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र. तो कहता है इतने खट्टे आम हैं हमारे यहाँ, जो उसकी सावरनेस है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी अंतरात्मा को भी जगा देगी. सो ही इज़ गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस एंड ही इज़ टेलिंग दैट द प्लेस इज रिच ऑफ मैंगोज एंड दे आर वेरी सावर इन टेस्ट. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. ऑल ऑफ अस एट इट. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट विच इज़ वेरी सावर. और वो बताता है वो इतने खट्टे हैं कि अगर आप खा लें तो आपका गला ख़राब हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू गो टू अ डॉक्टर. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग इल्स अराउंड आर विलेज. कहता है जैसे कि मैंगो स्पेशल है वैसे ही हमारे गांव की हर चीज़ स्पेशल है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. कहता है गाँव में हमारे एक पॉन्ड है और उसमें बहुत अच्छा साफ पानी आप देख सकते हैं. वहाँ आसपास आप क्रीपर ग्रोइंग देख सकते हैं. क्रीपर मीन्स वो लताओं वाले पेड़ पौधे जिन पर फल आते हैं. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड. बीहोल्ड मीन्स सी, देखना. तो कहता है जो फ्लावर्स इस पे लगते हैं ऐसा लगता है आँखों के लिए एक दावत दे रहे हों. दे आर वेरी प्रिटी टू सी. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. तो कहता है जो creepers हैं और जो उन पर leaves आती हैं वो इतनी इतनी बड़ी हैं कि आपको meal यानी भोजन करने के लिए बर्तन की ज़रूरत नहीं है. Your proper meal can be served on these leaves and you can easily eat it all. You will say I am rambling. आपको लगेगा मैं हाँक रहा हूँ, लंबी लंबी बातें छोड़ रहा हूँ, but it is true. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. तो राइटर कहता है आप ये मत सोचिए मैं आपसे लंबी चौड़ी की हाँक रहा हूँ, बल्कि मेरा गांव सच में इतना सुंदर है. अगर आप मेरे गांव को देखना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक लाइन भेजें, एक संदेश भेजें, मैं आपको ज़रूर विजिट कराऊँगा. I will let you know where Hosa Halli is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? कहता है अगर आपको जानना है तो मैं होसा हल्ली ज़रूर दिखाऊंगा और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है. और कहता है कि जो बेस्ट वे है वो यही है, अगर आपको एक प्लेस को जानना है तो आपको वहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए. आपको नहीं लगता तो वो हमसे यहाँ हमारी ओपिनियन मांग रहा है. सो हियर ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग इन अ वेरी डायलॉग फॉर्म वेयर ही इज टॉकिंग टू अस. इट इज़ अ कॉन्वर्सेशनल फॉर्म. हियर ऑल्सो ही इज इंटरेक्टिंग विद अस दैट रीडर्स एंड ही इज टेलिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस एंड इट्स स्पेशलिटी, द फ्लावर्स, द लीव्स, द पॉन्ड, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटिफुल एंड ही वॉन्ट्स द रीडर्स टू विजिट दैट प्लेस टू सी इट्स ब्यूटी बिकॉज ही थिंक्स एंड ही बिलीव्स दैट विजिटिंग अ प्लेस इज बेटर टू नो रादर देन लिसनिंग फ्रॉम द पीपल. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब वो फिर से स्टोरी पे आता है. कहता है ये स्टोरी जो है मैं 10 साल पहले की आपसे शेयर कर रहा हूँ. We did not have many people who knew English then. और 10 साल पहले ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और कहता है मेरा बेटा था, वो पहला बेटा था जो कि स्टडी करने के लिए बेंगलोर गया था. जो किसने भेजा था? विलेज अकाउंटेंट ने भेजा था. इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है. तो ही इज कंपेयरिंग द पास्ट 10 ईयर्स बिफोर व्हेन अकाउंटेंट सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू लीव द विलेज एंड वेंट फॉर हायर स्टडीज. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. कहता है लेकिन अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इस गाँव में इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश.
Those days we did not speak in English nor did we bring in English words while talking. तो कहता है पहले ज़माने में जब हम बात करते थे तो ना तो हम में से कोई इंग्लिश बोलता था ना ही इंग्लिश वर्ड हमारे जो थे यूजेज में आते थे, लेकिन आज तो आप हर गली में देख लोगे कि लोग इंग्लिश बोलते हुए मिल जाएंगे आपको. सो हियर ही इज़ गिविंग अस अ क्लियर पिक्चर हाउ पीपल हैव बीन यूजिंग इंग्लिश नाउअडेज. इन कन्नड़ा, What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? 4 pais. Pais is the penny, paisa. तो वो कन्नड़ा जो है वो वहाँ की बात बताता है, जो जगह है होसाहली. तो कहता है एक दिन जब मैं रामा राव के घर था तो वो क्या लेकर आए, एक बंडल ऑफ फायरवुड, लकड़ी लेकर आए, और रामा राव का जो सन था वो इसके लिए पे करना चाहता था और उसने उससे पूछा कितने पैसे हुए, तो उसने 4 पैसे बताए. शी सेड द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, और लड़के ने बोला उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे. एंड आस्क हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग. द पुअर वूमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ आई टू डिड नॉट नो. तो उस समय की बात है कि चेंज का मतलब भी लोगों को पता नहीं होता था. वो कहता है कि उस पुअर वुमन को नहीं मालूम था कि चेंज मीन्स वॉट, इसलिए उसने क्या किया, वो जगह को छोड़ दिया. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास आउट एंड आस्क हिम टू आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट. तो लेकिन कहता है जब मैं रंगा के घर गया तब मुझे मालूम पड़ा कि चेंज का मतलब क्या होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वर ऑल्सो वेरी रेयर टू स्पीक बाई द पीपल, दे नेवर यूज सच वर्ड्स इन देयर कॉमन लैंग्वेज. सो वर्ड लाइक चेंज वॉज ऑल्सो वेरी न्यू फॉर द पीपल एंड दे डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड व्हेन द स्टोरी वॉज रिटन. एंड दिस इंसिडेंट इज दैट 10 years बिफोर द एटमोसफेयर ऑफ द पिलेज वॉज लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स वी विल कवर टिल हियर. इन नेक्स्ट पार्ट यू विल बी लर्निंग द नेक्स्ट हाफ रिमेनिंग चैप्टर. And till then you take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part.